नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के हीट मशीन सुपरस्टार ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म संघर्ष 2 आजकल सुर्खियों का विषय बनी हुई है। तमाम सिनेमाघरों में जिस तरीके से लगातार क्राउड जो है वो जा रहा है और खेसारी लाल यादव की फिल्म को देख रहा है, वो वाकई चौंकाने वाला है। और इस तरीके का नया मुहिम खेसारी लाल यादव ने छेड़कर भोजपुरी दर्शकों को सिनेमाघर ले जाने में सक्षम हो पाए हैं। और शायद यही वजह है कि आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी सिनेमाघरों में इस फिल्म को लगाया गया है वहां पर ज़बरदस्त तरीके का क्राउड जो है वो देखने को मिल रहा है। और भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे कि मैंने पहले खबर बनाया था कि एक नया मिसाल खेसारी लाल यादव पेश कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि पहले दिन जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने पटना और छपरा में जिस तरीके का मुकाम बनाया है, इसके अलावा जो है बनारस में जाकर खेसारी लाल यादव और भी दर्शकों के बीच में अपनी एक अलग पहचान बना दिए और दो दिनों में जबरदस्त तरीके के कमाई के जो रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। और अब माना जा रहा है कि खेसारी लाल यादव की जो फिल्म है वो तीसरे दिन और भी बड़े लेवल पर कमाई कर सकती है और इसके पीछे की वजह रविवार का हो रहा है। जी हाँ, बात करें तो आपको पता होगा कि रविवार के सब कोई फ्री होता है और रविवार एक माइंड में ऐसा होता है कि भाई छुट्टी का दिन है तो आज कुछ मजे करते हैं। तो रविवार के दिन दर्शक जो हैं सिनेमाघर में और भी जा सकते हैं, लेकिन वैसे भी सिनेमाघर की जो सारी सीटें हैं वो फुल चल रही है, लेकिन जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर संडे के दिन और भी ज़्यादा भीड़ होने के आसार बताए जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नवरात्रि का महीना भी चल रहा है, अष्टमी है, लोग और भी मजे लेने का प्रयास करते हैं और इस मौके पर सबके पास पैसा भी होता है तो हर कोई जानना चाहता है कि सिनेमाघर में जाएं और अपने फेवरेट सुपरस्टार की फिल्म को देखें। तो आज एक आंकड़ा बड़ा आ सकता है खेसारी लाल यादव की फिल्म से जुड़ा हुआ, तो जैसे ही आएगा मैं तीसरे दिन का अपडेट में बताऊंगा कितनी कमाई की है। बाकी आपको क्या लगता है कि आज फिल्म एक अलग ऊंचाई को छूने वाली है, ये अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।